नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। फिल्म पद्मावती, जिसका नाम बाद में पद्मावत किया गया, जी हां, वही फिल्म जिसको लेकर के भारी कंट्रोवर्सी देश भर में हुई, जिसको लेकर के हजारों विरोध प्रदर्शन देश भर में हुए और जिसके बाद फिल्म का नाम पद्मावती से बदल करके पद्मावत कर दिया गया था। किलो की अपनी अद्भुत श्रृंखला से जुड़े हुए इस अंक में आज हम उसी पद्मावती रानी से जुड़े हुए किले राजस्थान की शान जौहर का गढ़ चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे। तो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, तो आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ भारत के सबसे बेहतरीन स्मारकों में से एक माना जाता है और भारत का सबसे बड़ा किला है, जिसे चित्तौड़ भी कहा जाता है। 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक राजपूतों के तहत यह किला मेवाड़ की राजधानी था। चित्तौड़गढ़ के किले की बात करें तो इसे राजस्थान ही नहीं भारत के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक माना जाता है और 7वीं शताब्दी में कई मौर्य शासकों के द्वारा मिलकर के इसे बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव भाइयों में से भीम ने इस किले का निर्माण किया गया था, जो इसका एक पुरातात्विक इतिहास बताता है। चित्तौड़गढ़ किले की दूरी की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, तो 180 मीटर ऊंचा पहाड़ी पर स्थित यह किला 700 एकड़ के विशाल स्थान में फैला हुआ है, जो उदयपुर से 112 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के गंभीरी नदी के पास एक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी में इस किले को बनाया गया है और किले में रोमांस, साहस, दृढ़ संकल्प और त्याग से जुड़ी हुई एक अद्भुत, एक विशालतम, एक ऐतिहासिक प्रेरणाप्रद लंबी कहानी देखने को मिलती है। इस राजसी किले का इतिहास खिलजी के समय से देखा जाता है और किले पर 3 बार हमला किया गया और हर बार राजपूत योद्धाओं ने अपने युद्ध कौशल के तहत इस किले को बचाया था। बात 1303 ईस्वी की है, जब रानी पद्मावती को अपना बनाने की इच्छा पूरी करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार इस किले पर आक्रमण कर दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि रानी पद्मावती और राज दरबार की महिलाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत होने की बजाय आग की चिता में बलिदान देना उचित समझा और तब से इस किले को बलिदान का किला या महिलाओं द्वारा किए जौहर के लिए जाना जाता है। दूसरी बार किले को 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने बर्खास्त कर दिया था। इस हमले में चित्तौड़गढ़ के इस विशालतम किले में काफी नुकसान हुआ। वहीं तीसरा हमला मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1567 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया था और इस तरह से सन 1616 में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में किले को राजपूतों से वापस कर दिया गया था। चित्तौड़ के किले की बात करें तो देश के सबसे उत्कृष्ट किलों में से एक चित्तौड़ का किला वास्तव में राजस्थान राज्य का गौरव कहा जा सकता है और ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ का नाम चित्ररंगा से लिया गया है, जो स्थानीय कबीले के शासक हुआ करते थे और खुद को मौर्य बताया करते थे। एक अन्य लोक कथा में ऐसा माना जाता है कि भीम ने इस किले का निर्माण किया था और जमीन पर जोर से मारने से इसकी सतह पर भीमलेट कुंड निर्मित हो गया था। किले के अंदर भगवान कृष्ण और खूंभा श्याम से प्रफुल्लित भक्त मीरा का एक अद्भुत मंदिर दिखाई देता है तथा इस किले को जल किले के रूप में भी जाना जाता है। किले के अंदर की एक महत्वपूर्ण अद्भुत बात यह है कि इस किले के भीतर 84 जल स्रोत हैं, लेकिन वर्तमान में उनमें से केवल 22 ही मौजूद हैं, जिनमें कुएं, कुंड और बावलियां शामिल हैं। यह किला 700 हेक्टेयर से अधिक
क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें जल स्रोत का 40% हिस्सा है और औसत जल की गहराई कहें तो 2 मीटर है। इसलिए इन जलाशयों में लगभग 4 बिलियन लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है और 4 साल तक 50,000 सैनिकों की प्यास बुझाने के हिसाब से यह उपयुक्त माना जाता है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, गौमुख जलाशय, राणा कुंभ पैलेस, पद्मनी पैलेस और किले के 7 अद्भुत दरवाजे इस किले के प्रमुख आकर्षक हैं। किले मोटे तौर पर एक मछली के आकार में बना हुआ है। किले के परिसर में 65 ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें 4 महल परिसर, 19 मुख्य मंदिर और 4 स्मारक भी शामिल हैं। वहीं किले की संरचनाएं और विशेषताएं राजधानी वास्तुकला की शैली को अद्भुत तरीके से दर्शाती हैं। चित्तौड़गढ़ शहर का यह किला जौहर मेला नामक सबसे बड़े राजपूत त्यौहार की मेजबानी करता है। ध्वनि और लाइट शो के द्वारा आयोजित इस मेले को सुबह 7 बजे से शुरू किया जाता है, जो इस किले से जुड़े हुए अद्भुत इतिहास को प्रस्तुत करता है। 2013 में चित्तौड़गढ़ किले को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया और तब से इस किले की महत्ता देश और दुनिया में और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये थे चित्तौड़गढ़ किले से जुड़ी हुई अद्भुत ऐतिहासिक विरासत की बात। ऐसे ही किसी अन्य किले की बात हम करेंगे किलों से जुड़ी हुई अपनी अद्भुत श्रृंखला के अगले अंक में। तब तक के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।